नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जीरो बैलेंस वाली खाता की तलाश है, यानी कि गाइज आप किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो गाइज आप जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जा सकते हैं। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप बहुत ही आसानी से बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट पे आप जो है घर बैठे इस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यदि डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो गाइज आप इस अकाउंट को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। गाइज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ये जो सेविंग अकाउंट है यहाँ पे पूरी तरह से डिजिटल अकाउंट लॉन्च की है, यानी कि गाइज यहाँ पे इस सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है इस अकाउंट को बिल्कुल घर बैठे यहाँ पे बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। और गाइज इस अकाउंट की जो कंप्लीट केवाईसी है आप जो है वीडियो केवाईसी के माध्यम से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगी। गाइज बेनिफिट के बारे में बात करें तो जैसे ही इस अकाउंट को ओपन करेंगे यहाँ पे इंस्टेंट आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। गाइज डेबिट कार्ड और चेकबुक जो है आपके एड्रेस पे होम डिलीवर्ड कर दिया जाता है। और गाइज जो पासबुक है यहाँ पे आप जो है ब्रांच से ले सकते हैं। साथ में गाइज जैसे ही इस अकाउंट को ओपन करेंगे यहाँ पे आप इस अकाउंट के साथ मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के साथ साथ यूपीआई की जितनी सारी ऐप है जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप इन सारी ऐपों का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस अकाउंट के साथ मुझे एक और खासियत यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आप अपनी सेविंग अकाउंट में जितना भी बैलेंस रखेंगे उस बैलेंस का यहाँ पे 6% आपको इंटरेस्ट रेट जोड़ करके और ऐड कर दिया जाएगा। अब गाइज हम बात करते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप किस प्रकार से घर बैठे सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके बताया है और गाइज यहाँ पे मैंने इस अकाउंट को ओपन करके दिखाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहे, नहीं तो गाइज यहाँ पे एक भी स्टेप को मिस कीजिएगा तो आपको जो है इस अकाउंट को ओपन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल विशाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। सिंपली गाइज आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। या फिर गाइज यहाँ पे लिंक पर क्लिक करने में आपको कोई भी एरर आ रही है तो गाइज आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और गाइज वहां पे सर्च करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जैसे ही लिख करके सर्च करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगी। गाइज यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट नंबर पे एक लिंक मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग। फाइनली गाइज आपको जो है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जहाँ से आपको अपने अकाउंट को ओपन करने की जर्नी स्टार्ट होती है। अब गाइज यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर फिल करना है। दोस्तों इस अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं फाइनली गाइज उस मोबाइल नंबर को इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल फिल करेंगे। दोस्तों आप अपने अकाउंट के साथ जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं फाइनली गाइज वही ईमेल आईडी फिल करेंगे, क्योंकि गाइज आपकी अकाउंट की जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी आपको जो है इसी ईमेल आईडी के माध्यम से दिखने को मिलेगी। यहाँ पे गाइज जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे नीचे यहाँ पे आपको अपनी आधार कार्ड की नंबर फिल करना है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की नंबर फिल कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपनी यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे आप अपनी आधार कार्ड की नंबर फिल कर लेते हैं यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा फाइनली गाइज उस मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से ओटीपी सेंड किया गया होगा। फाइनली गाइज उस ओटीपी को आपको जो है इस बॉक्स में फिल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट ओटीपी फिल करेंगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा। फाइनली गाइज आपको जो है इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के साथ वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे एड्रेस जो है आपके आधार कार्ड से यहाँ पे ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया गया है। गाइज यहाँ पे आपका नेम दिखेगा, यहाँ पे आपकी एज दिखेगी, जेंडर दिखेगी, मोबाइल नंबर दिखेगा, यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया गया है। अब गाइज इस पेज को यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं इस अकाउंट को यहाँ पे आपको जो है तीन स्टेप में यहाँ पे ओपन करना होता है। पहला गाइज यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। दूसरा गाइज यहाँ पे आपको अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल फिल करना होता है
और गाइस तीसरी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करके और यहाँ पे आपकी अकाउंट को जो है सक्सेसफुल ओपन कर दी जाती है। गाइस यहाँ पे आपको अपने एक परमानेंट अकाउंट नंबर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि गाइस यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड की नंबर फिल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप की ऑप्शन आती है। गाइस यहाँ पे एड्रेस टाइप वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे आपकी एड्रेस जो है प्लेस ऑफ वर्क है तो यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप की ऑप्शन आती है। गाइस यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो घर है यहाँ पे किसका है। गाइस फैमिली का है तो यहाँ पे फैमिली वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर गाइस आपकी घर जो है यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड की है तो यहाँ पे कंपनी का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर गाइस यहाँ पे आपकी जो घर है या फिर आप जो है रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे रेंटेड की ऑप्शन मिलती है। गाइस यहाँ पे आप जो है रेंटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एक पिन कोड की ऑप्शन मिलती है। गाइज आपकी एरिया की जो भी पिन कोड है यहाँ पे आप अपने कम्प्लीटली पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी स्टेट फिल करना है, यहाँ पे आपको अपनी सिटी फिल करना है और गाइज यहाँ पे आपकी जो है कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस लाइन 1 फिल करना है, यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 फिल करना है, यहाँ पे एड्रेस लाइन 3 फिल करना है। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी एड्रेस है कम्प्लीटली आप जो है एड्रेस लाइन 1 में फिल कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपकी डेबिट कार्ड के ऊपर जो भी नाम यहाँ पे टाइप करना है यहाँ पे गाइज आपकी जो है नेम देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच या की लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती है। गाइज यहाँ पे आपकी एरिया में जो भी ब्रांचेज होगी यहाँ पे आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे फैमिली डिटेल फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है। अगर यदि आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे मैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यदि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे अनमैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से उनका कंप्लीट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में एडेड नॉमिनी डिटेल की ऑप्शन आती है। गाइज यहाँ पे आप अपने अकाउंट में नॉमिनी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है उनकी कंप्लीट नेम फिल करेंगे, या फिर गाइज यहाँ पे आप अपने अकाउंट में नॉमिनी नहीं फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है इसे खाली छोड़ सकते हैं। गाइज आप अपने अकाउंट में नॉमिनी जो है बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इतनी सारी यहाँ पे आपको जो है डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का बटन दिखेगा। फाइनली गाइज आपको जो है इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आप जो है अगले पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे गाइज आप क्या करते हैं, आप अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम फिल करना है, आप किस कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन आता है। गाइज यहाँ पे आपको इनकम कहाँ से आती है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ग्रोस एनुअल इनकम की ऑप्शन आती है। गाइज आपकी एनुअल इनकम कितना है यहाँ पे आप अपनी एनुअल इनकम फिल करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना पड़ता है कि यहाँ पे आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या है। तो गाइज यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो है कंट्री ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। गाइज आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप अपनी कम्प्लीटली वही डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इस अकाउंट के साथ आपको जो है डीबीटी की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। अगर गाइज आपको इस अकाउंट के साथ डीबीटी की फैसिलिटी यहाँ पे लेना है तो आप जो है इस बॉक्स को टिक करेंगे, या फिर आपको जो है इस अकाउंट के साथ डीबीटी की फैसिलिटी को नहीं लेना है तो यहाँ पे जो है आप ऑन टिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक जो है दो टाइप की अकाउंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वीजा क्लासिक कार्ड और यहाँ पे दूसरे नंबर पे वीजा सिग्नेचर कार्ड। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप जो है वीजा क्लासिक कार्ड वाले अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 10,000 रुपया आपको अपने अकाउंट में सेंड करना होगा, या फिर गाइस यहाँ पे आप जो है वीजा का सिग्नेचर कार्ड वाले अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 25,000 रुपया आपको अपने अकाउंट पे जो है सेंड करनी होगी। और गाइस इस दोनों अकाउंट के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे सारी चीजें को नीचे मेंशन किया गया है। और गाइस नीचे यहाँ पे आपको IDFC फर्स्ट बैंक की कुछ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है। तो गाइस यहाँ पे आपको दोनों बॉक्सों में जो है टिक करके यहाँ पे इनकी टर्म एंड कंडीशन को आपको जो है एक्सेप्ट कर लेनी होगी। हाँ दोस्तों एक चीज और कि यहाँ पे अभी आप अपनी अकाउंट में बैलेंस फंडिंग करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे अभी आप जो है जीरो बैलेंस पे आप अपनी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे जो है बाद में आप इस अकाउंट में जो है आप अपनी बैलेंस को फंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस वाली अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एस्केप फंडिंग एंड ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यदि गाइज आप अपने अकाउंट में बैलेंस फंडिंग करके और उसके बाद अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फंडिंग एंड ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
दोस्तों अभी मेरे केस में मैं यहाँ पे जीरो बैलेंस वाले अकाउंट ओपन करता हूँ, तो यहाँ दोस्तों चलिए यहाँ पे एस्केप फंडिंग एंड ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, और गाइस यहाँ पे मेरा टीआरएल नंबर भी यहाँ पे शो होने लगा है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन योर सेविंग अकाउंट इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर यू, यानी कि गाइस यहाँ पे मेरी अकाउंट जो है कंप्लीट यहाँ पे ओपन हो गई है। अब गाइस हमें जो है अपने अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी जो है वीडियो केवाईसी के माध्यम से करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ईमेल पे भी यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है कंप्लीट यहाँ पे ओपन हो गई है, यहाँ पे आपको अपने अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी जो है अब वीडियो केवाईसी के माध्यम से करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे लाइव मैं जो है वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपने अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी करके भी दिखाता हूँ। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपने अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी करने के लिए भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, और गाइज यहाँ पे दूसरे नंबर पे पेन एंड पेपर फॉर सिग्नेचर, यानी कि गाइज यहाँ पे आपके पास एक सादा पेपर और यहाँ पे पेन होना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुड कनेक्टिविटी, यानी कि गाइज आप जिस भी लोकेशन में है उस लोकेशन में यहाँ पे आपकी नेट की कनेक्टिंग जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब गाइज यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो है एक शेड्यूल फॉर लेटर का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप जो है इंस्टेंट इसी समय यहाँ पे आप अपने अकाउंट की फुल केवाईसी जो है वीडियो केवाईसी के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर गाइज यहाँ पे आप जो है चाहते हैं कि मैं जो है इस अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी जो है कल करूँ या परसों करूँ, तो यहाँ पे गाइज आप जो है शेड्यूल फॉर लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी टाइमिंग सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट नाउ वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के जो भी एक्जीक्यूटिव होंगे साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शेयर करना होगा, या फिर गाइस यहाँ पे आप चाहते हैं शेड्यूल फॉर लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी टाइमिंग सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है शेड्यूल फॉर लेटर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। गाइज यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले आपको अपनी डेट सिलेक्ट करना है कि आपको जो है किस डेट को यहाँ पे आप अपने अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी करेंगे वीडियो केवाईसी के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी टाइमिंग सिलेक्ट करना है कि आप जो है कितने बजे आप अपने अकाउंट को जो है केवाईसी करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है आप अपनी डेट और यहाँ पे टाइमिंग सिलेक्ट करेंगे, और नीचे यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, फाइनली गाइज आप जो है कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही अपना शेड्यूल यहाँ पे सेट कर देते हैं गाइज जो भी आपने डेट और टाइमिंग सिलेक्ट किए होंगे उस डेट और उस टाइमिंग में आपको जो है IDFC फर्स्ट बैंक के एक्जीक्यूटिव के साथ आपकी जो है वीडियो कॉल कनेक्ट होगी, और वहां पे गाइज आपको जो है आपको अपनी ओरिजिनल पैन कार्ड यहाँ पे आपको दिखाना होगा, यहाँ पे आपको अपनी आधार कार्ड दिखाना होगा, यहाँ पे गाइज आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी होगी, और भी यहाँ पे कुछ पर्सनली डिटेल्स आपसे जो है IDFC फर्स्ट बैंक के एक्जीक्यूटिव के साथ आपको शेयर करना होगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपकी अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी यहाँ पे पूरी हो जाएगी, और गाइज जैसे ही आपकी अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी पूरी होती है आपकी अकाउंट के जितने सारे बेनिफिट है जैसे यहाँ पे पासबुक, ATM कार्ड, चेकबुक, और गाइज यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के साथ साथ UPI की जितनी सारी ऐप है जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप इन सारी ऐपों का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो केवाईसी की जो प्रोसेस है यहाँ पे काफी ज्यादा आसान है, आप जो है खुद से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ चुका होगा कि IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पे आप जो है किस प्रकार से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने तो यहाँ पे आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दिया, बता दिया। गाइज IDFC फर्स्ट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो है इसी प्रोसेस से होकर के गुजरना होगा। तो अगर गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, उसपे कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हमें जो है कुछ इसी प्रकार की वीडियोज मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। दोस्तों एक चीज और कि यहाँ पे आपको इस अकाउंट को ओपन करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो गाइज नीचे यहाँ पे पर्सनली आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ से इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।